अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नाइन्थ क्लास जनरल रियाजी, नाइन्थ क्लास जनरल रियाजी का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.1। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। मश्क नंबर 1-1 है, उसका सवाल नंबर 1 है। अब सवाल नंबर 1 में क्या पूछा गया, उसने कहा है कि दर्ज ज़ैल फ़ीसद को कसरों की आसान तरीन शक्ल में लिखें। क्वेश्चन को आपने पहले समझना है और उसमें जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको आपने माइंड में रखना है कि करना क्या आपने, क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपने फ़ीसद को समझना है, फ़ीसद, उसके बाद कसर, कसर को हम बटे की शक्ल में लिखते हैं और फ़ीसद को परसेंटेज की शक्ल में लिखते हैं। अब जो फीसद है इसको आप इंग्लिश में कहते हैं परसेंट, परसेंट। अब इसको आपने समझना है, पर का मतलब है में से और सेंट का मतलब है 100। एक कोई ऐसा मजमूआ जिसमें 100 चीजें हों, ठीक है। सेंट हम उसको कहते हैं जिसमें 100 चीजें हों, उस 100 चीज़ों के मजमू को हम कहते हैं सेंट, मतलब 100 में से, उसको हम कहते हैं परसेंट। इसको हम लिखते हैं परसेंटेज। अब अगर परसेंटेज को बटे की शक्ल में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, याद रखना है। अगर ये दिया गया हो तो फिर आपने ये 100 नहीं लिखना, नीचे नहीं लिखना, मतलब क्या, बटे के नीचे 100 दिया गया हो तो उसको आपने हटाना हो तो आप क्या करेंगे, इस 100 की जगह पर आप लिख देंगे परसेंटेज, ये वाला, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या होता है। तो मैं ये थोड़ा सा आपने आपको मैंने बताया। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है 95%, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, परसेंटेज को ख़त्म करना है, और जब परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो नीचे 100 लगाना है, 95%, 95% का मतलब ये बटा, ठीक है, पर सेंट, सेंट का मतलब 100, सेंट का मतलब क्या, 100। अब इसको मजीद कैंसिल कर लें, अगर कैंसिल होते हैं तो 5 पे कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 4 बजेंगे 15, 5 9 45, और ये 20 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर 19 और नीचे 20। यहाँ से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हम कैसे करें। देखिए, आप लोगों को कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल आना चाहिए, नाइन्थ क्लास में कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता है और इजाज़त भी है इसकी। तो आपने क्या करना है, 95 को इसको भी 5 पे तकसीम करना है और इसको भी 5 पे तकसीम कर लें तो आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब देखिए, मजीद कैंसिल नहीं हो रहा तो आप इसको यहाँ तक छोड़ दें, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में क्या कहता है, वो कहता है 65%, ये परसेंटेज है, फीसद है, इसको आपने बटे की शक्ल में लेकर आना है, कसर की शक्ल में लेकर आना है। ये हमारे पास क्या, ये कसर की शक्ल है और ये फीसद की शक्ल है, तो इसको कैसे करेंगे, 65%, ये फीसद खत्म हो गया, ठीक है। ये कसर आ गई है लेकिन इसको मजीद आपने सिंपलीफाई करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। 65 को 5 पे तकसीम करेंगे ना तो ये आ जाएगा 13, और 100 को भी आप 5 पे तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 75% है, थर्ड क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है 75%। इसमें देखिए, इसमें भी बड़ा आसान सा तरीका कार है। पहले आपने क्या करना है, 75%, ये परसेंटेज है ना, उसका परसेंट लिख देंगे, ठीक है। इसको भी 5 पे कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 5 1 5 5 5 25, और ये नीचे 20 आ जाएगा। इसको भी 5 पे तकसीम कर लें, इसको भी 5 पे कर लें, ऊपर 15 नीचे 20 आ जाएगा। अब देखिए, मजीद ये मजीद और कैंसिल हो रहे हैं, दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं ना, तो मजीद इसको कैंसिल कर लें, 5 3 15, 5 4 20, तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ 25%, बिल्कुल ऐसे ही इसको करना है, नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 25 1 25 25 4 100, ठीक है,
ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। मजीद आप 5 5 पे भी करेंगे ना, 5 पे करेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। सिंपलीफाई करना आप लोगों को आना चाहिए, कैंसिल करना आप लोगों को आना चाहिए, इसकी अपने प्रैक्टिस कर लेने शुरू से ही, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, उसमें दिया 56%। मैं ये वाला क्वेश्चन मजीद तसली से कराऊंगा। 56% इसको हम लिखेंगे परसेंट। अब देखिए यहाँ पे ये 6 है और ये 100 है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है एंड पे, तो 6 जो ना वो 2 के टेबल में जाता है, यहाँ पे 0 भी 2 के टेबल में जाता है। तो अब इसको 2 पे कैंसिल करेंगे पहले, ठीक है। 56 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 + 2 = 4, 2 + 8 = 16, और इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। ऊपर 28 और नीचे 50, लेकिन ये मजीद फिर यहाँ पे देखिए एंड पे 8 है और यहाँ पे 0 है, मजीद ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, तो आप मजीद इसको 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, और ये आ जाएगा 25, ऊपर 14 आ जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा। ले जी, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है 6 पार्ट है, वो हमारे पास दिया हुआ 48%, ठीक है। इसको भी देखिए 8 है और ये 0 है, तो इसको 2 पे कैंसिल करें, 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, और नीचे आ जाएगा 50। एंड पे देखिए 4 है और यहाँ पे 0 है, तो मजीद ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, तो इसको आप कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, और ये आ जाएगा 50 को 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ऊपर 12 आ जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा। अब देखिए ये मजीद कैंसिल नहीं होगा, जब मजीद कैंसिल ना हो तो आपने वहाँ तक छोड़ देना, वहाँ पे आके छोड़ देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। और कोशिश होगी मेरी कि आप लोगों को A to Z सारे कॉन्सेप्ट, सारे स्टेप्स आप लोगों को समझाऊँ। आप लोगों ने यह करना है, आप लोगों ने करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ या बाकी जो क्वेश्चन हैं, बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए, अब इसके बाद बाकी क्वेश्चंस हम करते हैं। आप लोगों ने करना यह है कि जिन स्टूडेंट्स को मैथ नहीं ना आती, तो बड़ा आसान तरीका कर रहा है, जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा होता हूँ ना, आप सिर्फ सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, छोटा सा काम कर लिया करें कि अपने सामने नोटबुक कॉपी पेंसिल निकाल लिया करें, तो साथ साथ नोट करते रहें करें। जब आप साथ साथ नोट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप लोगों को आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है, उसमें दिया हुआ है 8%। इसमें देखिएगा 8% है, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे नीचे आ जाएगा 100, और इसको 2 पे कैंसिल करेंगे ये 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 50, 4/50। लेकिन मजीद देखिए ये 4 है और ये 0 है, 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 25, 2 × 50, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, उसमें दिया हुआ 33 सही 1/2%। तो सबसे पहले सहीयों को ख़त्म करना है, 33 को 2 से ज़रब करना है तो कितना आएगा 60, और उसमें 1 ये ऐड करना है 67, और नीचे आ जाएगा ये 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। 33 को 2 से ज़रब करेंगे 60 आएगा, 60 में 1 ऐड करेंगे जमा करेंगे 60 आ जाएगा, और नीचे ये 2 रहेगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि ये जो फीसद है ना, इसको आपने ख़त्म करना है। जब फीसद को ख़त्म करेंगे तो ये साथ नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने कैंसिल करना है, सॉल्व करना है, बड़ा आसान सा है। 67 2 को 100 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा 200। ले जी ये आंसर आ गया, क्योंकि मजीद ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, 37 सही 1/2% है। सबसे पहले 37 को 2 से ज़रब करें तो कितना आएगा, 2 × 2 = 14 + 1 = 3 + 2 = 6 + 1 = 7 = 74 आएगा, और 1 = 75, ठीक है। 37 को 2 से ज़रब करेंगे तो 74 आएगा, ऊपर वाला 1 उसमें जमा करेंगे तो 75 बन जाएगा, और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब फीसद को ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 100। अब 100 को 2 से ज़रब करेंगे कितना आएगा,
200 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लें, पाँच पे कैंसिल करेंगे, पाँच एक पाँच, यहाँ पे दो बच जाएंगे 15 25, ये पाँच मिलाएंगे 25 बन जाएगा, 5 5 25, और ये पाँच पे कैंसिल करेंगे, 5 4 20 40 आ जाएगा। अब ये ऊपर 15 और नीचे 40, फिर ये मज़ीद पाँच पे कैंसिल हो रहे हैं, 5 3 15 5 8 40, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। ले जी, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या करना है, 87 सही 1/2 है, ठीक है, फीसद 87 को 2 से ज़रब करें, 7 ज़रब 2 14, हासिल 1, 8 ज़रब 2 16 और 1 17, 174, और इसमें 1 ऐड करेंगे 175 आ जाएगा, ठीक है, 2/2 फीसद, ओके, 2 ज़रब 7 14 और 1 ऐड करेंगे 15, हासिल 1, 8 2 16 और 1 17। अच्छा, अब फीसद को ख़त्म करेंगे, फीसद को ख़त्म करेंगे क्या आएगा, 7 में ये 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 175 है और नीचे 100 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 200। अब इसको कैंसिल करें, कैंसिल करेंगे तो ये 5 3 15, यहाँ पे 17, 2 5 जाएंगे 25, 5 5 25 और ये 40 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मज़ीद कैंसिल होते हैं, 5 पे 5 7 35, 5 8 40, ऊपर 7 नीचे 8, 7/8, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां क्वेश्चन है, 5 सही 1/4 है, 5 सही 1/4 फीसद। सबसे पहले 5 को 4 से ज़रब करेंगे 20 और ऊपर वाला 1 जमा करेंगे 21/4। अब फीसद को ख़त्म करें, फीसद को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 4 को 100 ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 400, ठीक है। देखिए इसमें कैंसिल अगर होते हैं तो आपने कैंसिल करने है, नहीं होते तो नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा तो आपने ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ तक कर देना, ठीक है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इसका 12वां 42 सही 1/2, 42 सही 1/2 क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, 42 सही 1/2 फीसद। अब इसमें भी आपने क्या करना है, 42 को 2 से ज़रब करना है तो यह आ जाएगा 84 84 में 1 ऐड करेंगे 85 और 85 नीचे आ जाएगा 2 फीसद, तो फीसद को ख़त्म करें तो साथ में आ जाएगा 100, ठीक है। अब 85 ऊपर है और नीचे 2 को 100 से ज़रब करेंगे तो यह आ जाएगा 200। अब इसको कैंसिल करें, 5 पे कैंसिल करेंगे, 5 1 5 5 7 35 और ये 40 आ जाएगा, ऊपर 17 और नीचे 40। लें जी, इस तरीके से आपने क्वेश्चन का समझना है, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन की समझ आई है, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी को लाजमी प्रेस करना है, ताकि इस तरह की आने वाली नोटिफिकेशन जो क्वेश्चन हैं उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।